घोड़े पाखर सोने साख के बोझण तेरी वाट तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा ने जा पत सो प्रगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी कुवार जित चढ़िए तनु पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियों ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इन्हां कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा नहीं जितना पसारा वड्डा हो जाता है और उस नाल मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते तो शायद कोई कोई रोगी हो पर मानसिक तल ते तो सतगुरु कहंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर के तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरु देव जी महाराज खान पीन दा संजम दसते ने और साफ कहने ने बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार ओ खाना जो वक्ती तौर पर खुशी देवे ते बाद दिच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर पर रस देवे पर बाद दिच बेरसी नू पैदा कर देवे और शरीर नू रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वर्ज देने इहदे वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वायु प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक स्वभाव नू वेख के खानिया प्रति जो सुचेत हो जाता है उस शरीरक पीड़ा तो बच जाता है मानसिक विकार तो बच जाता है और जैसे शरीर दे खान पीन का मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जाती है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बाहर मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म दिंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन नूं चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जब तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है और इहो एक ऐसा शब्द है जिस दे विच चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे विच एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहाव दे विच भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर
और शरीर के खान पीन का मसला हल हो तो फिर पहनना और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नुमाइश करने का चारा पैदा हो तो दूजे की बरकती भड़काने का मसला खड़ा हो सब कर नहीं यह भी खुआरियों जन्म देता है। खान पीन पहनने का मसला तो जैसे मनुख निश्चिंत होता है तो फिर मन की दुनिया सामने आती है। कहते ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हों शरीरक लोड़ा की पूर्ति कर देती है पर यह जो मन है मनुख का ऐसा है कि शरीरक लोड़ा की पूर्ति हो जाए और जितना ज्यादा हो जाए ये उतना ही भयंकर रूप मन कर लग पैदा है। इतने मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह के मनोरंजन के साधना जन्म दिता है। जेड़े जेड़े देश जितने अमीर ने जेड़े जेड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने देखे उथे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा सबको आप भी कहने ने कि वडे वडे जो दिसें लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहने दुनिया के तमाम वड्डे मनुखा ते निगाह मारने वड्डे मनुख कौन जिन्हों को धन संपदा ज्यादा है को ना वड़ा माया वड़िया गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी जो है करती है ये मनुख वड्डा नहीं ये वडपना धन ते खड़ा है ये वडपना संपदा ते खड़ा है ये वडपना प्रभुता ते खड़ा है सत्ता ते खड़ा है और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है जितनी ज्यादा सत्ता है उतनी ज्यादा प्रभुता है और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज का निर्णय उतना वड्डा है और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग उसनु एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोलिया जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता जिस ग्रह थोड़ी सो फिर भरमंता जिसको लो धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है पर जिथे लोग जोगते नहीं उथे भटकना है उथे मन विच भरम ने और उथे बहुत धावना है उथे बहुत भटकना है एक थान से भटकना है और उस भटकन विच भूलना ने इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी को जन्म लेंगे ने गरीबी मुखलसी गुनाह की जननी है गुनाह की मां है मजबूरियां मनुख ने रसातल विच ले जांदियां धरातल विच जहर ले जांदियां ने इस वास्ते साहिब कहने जिथे लोड़ा की पूर्ति नहीं हो रही उथे भटकना है और जिथे लोड़ा की पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतनी ज्यादा चिंतातुर ने और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उथे उतने ज्यादा मनोरंजन के साधन मुहैया किए जाते ने उपलब्ध किए जाते ने मनोरंजन गरीब अगे जिस दिन तन दिन ही लोड़ा की पूर्ति नहीं हुई अगे तन का मसला हल नहीं होया अगे तन ते चीथड़ा नहीं है अजे पेट विच रोटी नहीं है इन मनोरंजन नहीं चाहिए शरीर सब तो अगे है अजे शरीर का मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगों ने इन सोने की चिड़िया आख्या उस जमाने इस देश के घर घर के संत पैदा हो रहे सन देवते पैदा हो रहे सन देवियां पैदा हो रही सन धन संपदा बहुत सी शरीर का मसला हल हो गया सी मन के मसले में परमात्मा के नाम नाल हल कर रहे सन प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे चाहे महावीर होवन आखिर राजघराने के फरजंद सन
इन्होंने अपने मानसिक मसले प्रवचिंतन नाल हल की थे, आत्म अभ्यास नाल जो है हल की थे। कारण कारण इस देश के राजघरानियां देखों धर्म की सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु मार्ग ते चले, और जब धनाढ़ चल पैन सत्ताधारी चल पैन तो दूसरा वर्ग उन्होंने पीछे चल पैदा है। स्वाभाविक है, अक्सर छोटा वड्डे की नकल करता है, नवधन धनवान की रेस करता है। तो जो थोड़े जी पलते पछड़े सन, दरमियाने सन, उन्होंने राजघरानिया के इधर राजकुमार सन, इन्हों की नकल की थी, राजे की नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश के ऐसी हवा चली, घर घर विच देवी, घर घर विच देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा के कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहते ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरों का देश है, जोगियों का देश है, आत्मज्ञानियों का देश है। पर यह आत्मज्ञानियों का देश सी अज नहीं, यह ऋषि मुनियों का घराना सी अज नहीं। संतों लोगों ने अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास के खर्च की थी, तो सजे सजे की होया, धन की फिक्र ना की थी, संपदा की फिक्र ना की थी। संत पैदा होंगे गए, ऋषि मुनि पैदा होंगे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंगे गए, तो धन संपदा की तो फिक्र ना की थी, मुखलसी भी पैदा होंगी गई, और मुखलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखते हैं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशों की तरफ निगाह करता है जिथे संपन्नता है, तो जिथे संपन्नता आई है वो आत्म अभ्यास लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खटखटा रहे हैं, वो योगियों के आश्रम लग रहे हैं, वो आत्म अभ्यास के केंद्र लग रहे हैं। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द उठे महमा वट गई है, योग की महानता वट गई है, आत्म अभ्यास की उमंग ते तिरंग वट गई है, लेकिन धन संपदा की तिरंग ते उमंग हिंदुस्तान विच वट गई है। अज धन की खातर इस देश के धर्म में छोड़ा जा सकता है, पर उस देश विच ऐसा है कि धर्म की खातर धन में इतना छोड़ा जा सकता है। संपन्न घरानिया के बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नो, हर तरह के सुख नो, और उन्होंने बुलंद मांग कर दिता आत्मक चैन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रभु चाहिए, आत्म प्रकाश चाहिए। तो खैर जैसे जैसे शरीर के मसले हल हो गए, मन बड़े भयंकर रोग के सामने आंदा है, और शरीर पहले है एदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और एदा मसला है खाना पीना पहनना। पर यह संजम च ना हो तो खाना पीना भी तन रोगी कर देगा, मन विकारी कर देगा। यह पहनना अगर संजम च ना हो, मर्यादा ना हो, तो यह भी तन रोगी कर देगा, मन विकारी कर देगा। और तन दिया सारिया लोड़ा पूरी हो जान, मन जब बड़े भयंकर रोग के सामने आवे, तो हूं इस मन की वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया के अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन की लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह के रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह के मनोरंजन के साधन संपन्न घरानिया नवे तो नवे पैदा हो गए ने। लेकिन मन की एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज ने एक दफा रख लवे उन्हें पुराना कर देता है, तो पुराने भी मन परिक्रमा नहीं करता, मन अगे जाता है, मन गतिमान है, उसकी गति बड़ी तीक्ष्ण है, पर रुकता नहीं, तो लंघ जाता है, और लंघ के हर चीज में पुराना कर देता है, हर वस्तु में पुराना कर देता है,
रंग पुराने हो जाते हैं, रूप पुराने हो जाते हैं, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे हां संपन्न घर जो है देशां विच कोई वक्त तो वध दो साल ही मकान विच रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है। नौबत इत्थे तक आ गई, परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे? ये जो मनोरंजन है ये मन की मंग नहीं, तो इस तरह जैसे रोंदे हुए बच्चे ने छणकना दे के व्यक्ति तौर पर बनाया जा सकता है, पर वो तो दुध नहीं रो रहा है, वो तो मां नहीं रो रहा है। व्यक्ति तौर पर यह छणकना दे के बुलाया जा सकता है, प्रचारा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसने छणकना सुट देना है, हथ मां की तरफ पसारने ने, दुध की मंग करनी है। हो बहु देखदे पया संपन्न घरानिया के लोग इन्होंने छणकना ने सुट रहे हैं, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिए है, मसनोई नहीं, दायरे आनंद चाहिए है, अस्थाई आनंद चाहिए है, अस्थाई खेड़ा चाहिए है। तो वह जरा अस्थाई खेड़ा है, वह तो जो अस्थाई है, जो टिका हुआ है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तरह प्राप्त कर सकता है, और वह तो केवल परमात्मा है, वह तो केवल ईश्वर है, उस तो ही लग सकता है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर विकसित हुए सन, सतगुरदेव जी महाराज उसका जिक्र करते ने, सुंदर घोड़ा हो, सोने की काठी हो, लगान भी जरीदार हो, और कृपान तलवार गात्रा वाली पहनी हो, तीर कोल होवन पत्थर हो, और तरह तरह दियां खुशबुआ होवन, और इस सब कुछ ला के घोड़े तो सवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन की लोड़ सी, नेजेबाजी ते खेड़ा, इस तरह के मनोरंजन वक्ती तौर पर मन का बहलावा सी उस दौर विच विकसित हुए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने नहीं, मन की यह लोड़ नहीं, और इस लोड़ नूं कैसे पूरा करना है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने, घोड़े आखिर सोने साखत बूझण तेरी वाट, हे परमात्मा जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नूं समझ लिया है, मानो ये मैनु घोड़े की प्राप्ति हो गई है, पर ऐसा घोड़ा जिहदे ते जत सत दी काठी पई हुई है, सोने की काठी पई हुई है। कहते ने कोई लाजमी नहीं कि मनुख नूं अपने घर दे रस्ते का पता होवे, जो इट्टां ते पत्थरां दा बनिया होया मकान है और उस विच आ गया, अगर यह उसका घर है तो एक दिन इसे घर चो चार मनुख चुक के लै जाते हैं, और काडो काडो हुई सतगुरु की बाणी कभी कडो कडो, तो एक गल स्पष्ट हो गई, एक घर घर नहीं सी, सरां सी, से प्राणिया सी मेहमान, घर से कोई हो रहा है। बाबा फरीद उसका जिक्र करते ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सरपर मैथे आवना मरनो ना डरियाओ, तन का घर शमशान है, मन का घर भगवान है, तन का घर कबर है, मन का घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहने घर पे आवाजा पे मार दा है, ऐ तन कबर आवाजा पे मार दा है, कबर तो नहीं बैठी है, गौर ने माणी सड करे, गौर कबर नु कहंदे ने, गौर ने माणी सड करे निगरिया घर आओ, सर पर मैथे आवा मरणो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है, अपने घर की चिंता कर, और उस घर के रस्ते का नहीं पता। और असी देखते हैं सारी जिंदगी
लोग कई दफा धर्म के मार्ग भी बदल दे देंगे, रस्ते बदल दे देंगे। इसमें एक उर्दू का महान शायर ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान किया है, वो कहता है सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिंदगी बड़ी थोड़ी है और रस्ते को मन खोल है तो जिंदगी रस्ते ची खत्म हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना औखा हो जाता है। ये छोटी जी जिंदगी कोई एक रस्ता चुन लेना चाहिए और बड़े प्रमाणिक रस्ते जगत दिच बने। शाहरा साढ़े देश में चार वड़िया शाहराह बनिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन मत, गुरु मत, सिख मत। इस तरह इस देश के बाहर भी चार वड्डे शाहराह बने, शाही रस्ते, सरकारी रस्ते, बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी। पर कई दफा मनुख की अपने आदत आंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना, कभी कभी शाहराह ते चलने वाले उकता जांदे ने मंजिल नू दूर समझ के, तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने और विंगा टेढ़ा चल के भटक जांदे ने, पर कदमां दे निशान ते बन जांदे ने उन्हां दे, उन्हां दे कदमां दे निशानां उत्ते दुनिया होर चलन लग पैंदी है। पर इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जांदे ने, पहुंचते किधरे भी नहीं, सहरा भटका के रख देंगे ने। इस तरह के मार्ग इस्लाम बने, इस तरह के मार्ग यहूदियों के ईसाइयों बने, इस तरह के मार्ग हिंदू मत, सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत बने, निकले छोटे छोटे रस्ते। पर यह किसी भी बेदंगी चाल ने शाहरा छड़िया और एक पास बट गया, उसके कदमों का निशान, भटकों का निशान जमीन पर रह गया और उन्होंने निशानियों कईयों ने मार्ग समझ के चलना शुरू किया, तो भटके हुए रस्तों दिखे चलने वाले भटक गए। शाहरा अज भी असि देखते हैं उन्होंने कोई बहुत भीड़ नहीं है, बकौले भगत कबीर जह मार्ग पंडित गए पाछे बड़ी बहीर, एक अद्भुत भारती राम की तुम चढ़ रहे हो कबीर, जिस रस्ते के चतर चराक मनुख चल पे बड़ी भीड़ चल पाई, तर्क बंदा तर्क करने वाला जैसे रस्ते च अवगढ़ घाटी आई पहाड़ आया, उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी कर दें भटक गया, और ए पहाड़ जिन्होंने अबोर नहीं करना सी उन्होंने भटकन चंगी लगी, तो उसके पिछे चलने वाले भी भटके और इस तरह के भटकन वाले करके चलन करके रस्ते बने। तो भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया के जो है मौजूद ने, जिन्होंने तो चल के मनुख प्रभु तक तो नहीं पहुंचता, भगवान तक तो नहीं पहुंचता, पर हां रस्तियां दे भटक के रह जाता है और ए साफ दिखाई देता है। इस वास्ते एक आलम ने कहना पाया मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जाने लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई दे मनुख उथे रास्ता बदलने की जो है कोशिश कर रहा है, कि प्रभु का मार्ग मैदानी रास्ता नहीं है, पहाड़ी रास्ता है, एक अवगट घाटी राम की तई चल रहे कबीर, इसे रविदास कहने ने घट आओ घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राख मौड़ा। अवगट घाट उसने कहने ने जिस दे ते चलना बहुत कठिन होवे, जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे और चढ़ाइयों तो दम फुल जाए, इस तरह का ही परिपूर्ण परमात्मा का मार्ग है, क्योंकि सुरत में बुलंदियों तक ले जाना है, ऊंचाइयों तक ले जाना है। इन ऊंचाइयों तो जो भी घबराते हैं रस्ता बदल देने, और पूरी दफा जो रस्ता बदलता है वो भटके वाला इंसान उसके कदमों के निशान पक्के रस्ते बना देने ने, और उस एक दो भटकन करके बड़ी दुनिया भटकती है, और इस तरह की भटकन करीबन करीबन सारे जगत जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने यही मेरी घोड़े की असवारी है, यही सोने की काठी है,
हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते में जान ले तेरे मार्ग में जान ले घोड़े पाखर सोने साखत बूझन तेरी वाट मैं जान ले तेरा रास्ता की है उसका रास्ता की है जपो एको नामा अवर ने अफल कामा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है तेरे मार्ग ते चलना है बाकी सब भटकना है नाम बिना जैता बोहार जो मृतक मिथ्या सिंगार नानक के घर केवल नाम सतगुरु देव जी महाराज कहते ने साढ़े घर वास्ते केवल नाम का ही जप है और कुछ भी नहीं और यही एक मार्ग है एक सही मार्ग है बाकी सारी की सारी जो है भटकना है ओदे रस्ते में गुजरना की है ओदे नाम ने जपना और नाम जपन विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने का यही मार्ग है यही रस्ता है तो सारी कहना जरा तेरे रस्ते नु जान लिया तेरे राट नु समझ लिया बस यही साडे रस्ते घोड़िया की असवारी है घोड़े पाखर सोने साखत बूझण तेरी वाट तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे अनंत गुणा ने जो धारण कर लिया है यही साडे कोल भत्था है उस दे तीर ने यही साडे कोल कमान है और यही तेग मन जिस दे तलवार रखी दी है उनु कहंदे ने तेग मन गात्रा यही साडे कोल ओ गात्रा है और यही साडे कोल तलवार है क्या जो तेरे गुण साडे कोल ने जो ज्ञान आ गया है जो शील आ गया है जो संयम आ गया है जो प्रेम आ गया है जो संदृष्टि आ गई है जो हृदय निर्वैर हो गया है निर्भय हो गया है यही तो साडे शस्त्र ने धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते हैं आम कहा जाता है अवतारी पुरुषों को कुछ ना कुछ शस्त्र रहे हैं मन साहब के हथ दे तलवार से अपने देश में देखिए श्री राम दे कोल धनुषबाण सी द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी किसी तार्किक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कह दिता तुसी पंजवे गुरु नानक दे गद्दी दे वारस कलयुग दे अवतारी पुरुष थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है तो महाराज कहन लगे है वेखो गरीबी गदा हमारी खन्ना सदा ऋण सारी इस आगे टिकर न को विकारी गुरु पूरे ए गल सारी साडे कोल गदा है गरीबी दी विनम्रता दी निर्माणता दी साडे कोल खंडा भी है दुधारी क्या जो सारिया दे चरणों की खाक बन गए हर एक दे पैरां दे थले हो गए सानू किसी दे सिर दे उपर बैठन का शौक नहीं है सानू तो कदमों विच बैठन का शौक है सानू तो चरणों के थले बैठन का शौक है चोटी दे धार्मिक मनुख की चाहत आती है सारिया के कदमों के थले बैठना है चोटी दे नेचर की यह चाहत आती है कि सारिया के सिर ते बैठना है राजनीति सिर ते बैठना है धर्म नीति कदमों के जगह बैठना है तो महाराज कहते हैं यह जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने तो साडे कोल शस्त्र ने और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने विनम्रता साडे कोल गदा है सारिया के चरणों की जो खाक बन गया यह साडे कोल खंड है तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण दात वाजा नेजा पतसों प्रगट करम तेरा मेरी जात साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश यह जो तेरी रहमत हो गई है यह जो तेरी बख्शिश है तेरी बख्शिश ही साडी जात है तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन साहब कहने ने हे सियाने मनुख सब खुआरिया नु जन्म देंदे ने सब दुख संताप नु जो है जन्म देंदे ने मन विकारी हो जांदा है तन रोगी हो जांदा है ऐसे मनोरंजन नु एक पासे करना है ऐसिया असवारियां नु एक पासे करना है बाबा होके चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार घर मंदर खुशी नाम की मदर तेरी परवार हुकुम सुनी
पद भावसी और आखनु बद अपार नानक सच्चा पात साओ पूछ न सकरे विचार बाबा और सोना खुशी खुआर जित सुख तन पीड़िए मन में चले विकार। धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग दे पावन पवित्र वाग दे चौथे राव दे जो मुख गल साढ़े सामने रखते ने वही है खान पीन का भी मसला हल हो जाए पहनण का मसला भी हल हो जाए सारे मनोरंजन दे साधन भी प्राप्त होन लेकिन प्राणों विच एक प्यास रह जाती है परिवार की मेरा परिवार भी होवे मनुख समाजिक प्राणी है तनहा नहीं रह सकता कल्ला नहीं रह सकता पशुओं की कोई समाजिक जिंदगी नहीं है और पशु अकल्ले तनहा जिंदा रह सकते हैं और अक्सर देखा गया बेशतर पशु तनहाई विच रह जाते ने और तनहाई उन्होंने कोई तनहाई नहीं मन की दुनिया ही नहीं है सिर्फ तन की दुनिया है लोड़ों की पूर्ति होगी मस्त होके सौ जाते हैं मनुख मानसिक तल से जीण वाला है और समाजिक प्राणी है इसन परिवार भी चाहिए है और परिवार मां बाप पत्नी तिया पुत्र भरा मित्र और इस तरीके तीन प्रणालियां समाजिक रिश्तिया दियां गिणिया गई ने दादकियां दे रिश्ते नानकियां दे रिश्ते सौरियां दे रिश्ते तीन रिश्ते चलते ने एक पिता तो एक मां तो एक पत्नी तो पत्नी नू एक पासे कर दईए सौरियां दे कोई रिश्ते नहीं मां नू एक पासे कर दईए ना निहाल बचता ही नहीं पिता नू एक पासे कर दईए दादकियां दी प्रणाली चलती ही नहीं है समाजिक रिश्तिया दियां ए तीन शाखावां ने दादके नानके सौरे तो चूंकि मनुख समाजिक प्राणी है इनू दादकियां दे रिश्ते चाहिए ने इनू नानकियां दे रिश्ते चाहिए ने इनू सौरियां दे रिश्ते चाहिए ने मनुख दे कोल बहुत सारे साजो समान दे माण दे नाल नाल रिश्तियां दे भी माण हुंदा है रिश्तेदारां दा भी माण हुंदा है संबंधियां दा भी माण हुंदा है इह गल वखरी है कि इन्हां रिश्तियां विचों किहड़ा व्यक्ति उसनूं अधिक प्यारा है ज्यादा प्यारा है पर फिर भी इन्हां तीन रिश्तियां दी प्रणालियां दी अपनी प्रधानता मनुखी जगत विच बनी आई है और है नानके दादके सौरे सिख जगत दे महान दार्शनिक संत भाई साहब भाई गुरदास जी वो कहते हे परिपूर्ण परमात्मा मैं तेरे रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान करदा सदके करदा बड़े सोहने ढंग नाल उन्होंने एक कवित दे इन्हां रिश्तियां की गिणती की है और अपना मनोवेग अपना मनोभाव प्रदर्शित किया है नहीं ददसार पिता पितामह पर पितामह सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है पिता पिता दा पिता दादा फिर उसका पिता परदादा फिर उसका पिता लकड़ दादा इस तरीके नाल ए दादके घरानिया दे रिश्ते भरा ने पुत्र ने यह सारे का सारा दादका कहलांदा है आप कहते नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है नहीं ननसार माता पर माता ब्रिद माता मामी मामू मासी मौसा बिबद बिख्याता है नानकियां दे सारे रिश्ते चलते ने मां तो मां
ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਣਾਨੀ, ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀ, ਇਤਿਹਾਦਕ ਮਾਸੜ ਇਤਿਹਾਦਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਦ ਮਾਤਾ ਮਾਮੀ ਮਾਮੂ ਮਾਸੀ ਮੌਸਾ ਬਿਬਿਧ ਵਿਖਿਆਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਰ ਸਾਸ ਸਸੁਰ ਸਾਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਤੀਸਰ ਜਾਚਕ ਉਹ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਾ ਹੈ ਸਾਲੀ ਹੈ ਸੱਸ ਹੈ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਏ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਤਮ, ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਲਾ ਕੌਣ ਸਾਲੀ ਕੌਣ ਸੱਸ ਤੇ ਕੌਣ ਸਹੁਰਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੜੀ ਹੈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਤਨੀ ਤੇ, ਖੜਿਆ ਹੈ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਿਤਾ ਤੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨੋਭਾਵ ਇੰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਰ ਸਾਸ ਸੁਸਰ ਸਾਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਤੀਸਰ ਜਾਚਿਕ ਉਹ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖ ਬੰਧਕ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਹੋ ਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਤੀਮ ਹੈ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਪਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨੋਵੇਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਦਾਦਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾਦਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਨਕੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ
पुरुष रह गया है, पति नहीं, तो उसकी दुनिया विच उसके अनुभव विच फौरन ही गल आ जाती है किथे दादके किथे सहुरे किथे नानके, सब रिश्तियां दराड़ पै जाती है। और दराड़ा कई दफा ओदी अखां दे सामने इतनियां वड्डियां ने पैडेरी हो जांदियां ने, और उस दिन पता चलता है इत्थे इक करके ही सारियां रिश्तियां दियां दीवारां खड़ियां सन, सारे रिश्तियां दे महल खड़े सन, इत्थे इक दे टुटण नाल सारियां दराड़ां पै गईयां। जैसे बुनियाद दे दराड़ पै जाए, बुनियाद इक पासे हो जाए तो धरातल हो जांदा है महल, हू बहू पति इक पासे हो जाए, पत्नी इक पासे हो गई तो दादके सहुरे नानकियां दा महल धरातल हो जांदा है, दराड़ां पै जांदियां, सब रिश्ते ढेर ढेरी हो जांदे ने। और यही दो रिश्ते ने जिन्हां नूं मेरी जमीर ने कदी खून दा रिश्ता नहीं मनिया, सिख ते गुरु दा रिश्ता, पति ते पत्नी दा रिश्ता। और धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी भी पति ते पत्नी दे रिश्ते नूं खून दा रिश्ता नहीं मनदी। आप कहिंदे ने धन पिर एना आखियन, बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। पति ते पत्नी उसनूं कहिंदे ने जो जोत इक हो गई है, मन इक हो गया है, भावें शरीर दो ने उते रहणगे, उते अलग रहणगे, पर जोत इक हो गई है। भावें उपर दो कमरे खड़े ने पर थले बुनियाद इक है, भावे ना दो कमरे च अलग अलग रंग है, अलग अलग ढंग दा फर्नीचर है, अलग अलग ढंग दी सजावट है, पर बुनियाद इक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज पति पत्नी दे रिश्ते नूं खून दा रिश्ता नहीं मनदे। और रूह जमीन ते यही अवतारी पुरुष है जिसने बुलंद बांग कह दिता ये कोई खून दा रिश्ता नहीं है। इते एक जोत दो मूर्ति, धन पर कहिए सोए, ए जोत एक है, मन एक है, विचार एक ने, सिर्फ शरीर दो ने, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस तरह दो शरीर बनाए ने, पर मन एक ने। महाराज कहते ने भूल के भी उन्होंने पति पत्नी ना आखना, जो सारी जिंदगी एको मकान विच रहे ने, पर जोत एक नहीं हो सकी। धन पर ए ना आखियन, महाराज कहते भूल के भी ना आखो ये पति है ये पत्नी है। धन पर ए ना आखियन, बहन इकट्ठे होए सारी जिंदगी इकट्ठे रहे, इको मकान विच रहे, इको अस्थान विच रहे, दुनिया की नजर च ही इस तरह जापे जिवे इकट्ठे रह रहे ने, खुशखरम रह रहे ने, ठीक रह रहे ने, पर साहब कहिंदे नहीं। धन पिर ए ना आखियन, बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति, धन पिर कहिए सोए, दोहां दी जोत इक हो जाए, विचारां दी इतनी गहरी सांझ हो जाए, एक पत्नी हो जाए एक पति हो जाए, एक दूजे दी पत एक दूजे दे हाथ च होवे, एक दूजे दी इज्जत एक दूजे दे हाथ च होवे, और अपने हत्थां नूं इतना संभाल के रखन कि मेरे हाथ विच किसे दी पत है, मेरे हाथ विच किसे दी इज्जत है, मेरे हाथ विच किसे दा सुकून है, मेरे हाथ विच किसे दी शांति है, मेरे हाथ विच किसे दी जिंदगी है। अपने हत्थां नूं पति संभाल के रखे और अपने हत्थां नूं पत्नी संभाल के रखे, और इस तरह जोत एक हो जाए तो साहिब कहिंदे ने ए पति पत्नी ने। और यही एक रिश्ता है जो दादकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, नानकियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है, सहुरियां दे रिश्ते नूं जन्म देंदा है। यह रिश्ता टुट गया और यह रिश्ता है नहीं तो सहुरे कित्थे, नानके कित्थे ते दादके कित्थे। गुरु नाल ही कोई संबंध नहीं तो ऋषि होना, संत होना, भगत होना, जोगी होना, महान त्यागी होना, बैरागी होना, यह सब कुछ कित्थे है? यह प्रगट ही नहीं हो सकता, यह उजागर ही नहीं हो सकता। और बाकी रिश्ते जन्म ही नहीं ले सकते जे पति ते पत्नी दा रिश्ता नहीं तो। मनुख दे प्राणा विच बड़ी प्रबल प्यास है, एक छोटा जिहा बच्चा है, चाहीदी है मां, चाहीदा है पिता, पर जैसे जैसे यह वड्डा हुंदा है और इसनू तन्हाई अखरदी है तो चाहीदी है भैण, चाहीदा है भरा,
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਪਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭੈਣ, ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿਸਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਸ ਭਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੰਜ ਪੈ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਸ ਸਬਰਾਈ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰਾਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਇਹ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਸ ਭਰਾਈ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੇ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਛ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਰਧ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਰਧ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਧ ਅੰਗ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਧ ਅੰਗ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸਤਰੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ,
और पुरुष आज संपूर्ण होया, तो संपूर्णता होनी एक बहुत बड़ी खुशी है। संसार दे तल देते ये संपूर्णता है, और संपूर्णता बहुत बड़ी खुशी है। सारी दुनिया विच मनुखी जगत विच इस खुशी वर्गी होर फिर कोई खुशी नहीं है। समझ लो सारिया खुशियां इस एक खुशी दे आले दुआले परिक्रमा कर दिया ने, घूमदिया ने और प्रार्थना कर दिया ने। ये मूल खुशी है, ये बुनियादी खुशी है। और अक्सर ऐसा जो है देखने हैं अधूरी रह जाती है उन लोगों की जिंदगी जिन्हों के अंदर स्त्री अर्ध अंग ही रह गई, संपूर्ण ना हो सकी। जिन्हों के अंदर पुरुष अर्ध अंग ही रह गया, संपूर्ण ना हो सकिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तो किसी विचारधारा नु छुपाया नहीं, सामने स्पष्ट करके कह देता है, बाली रोवे नाय भता नानक दुखिया सब संसार। बाली ए कुआरी कन्या जो ब्याहन योग हो गई है, एदा रोना होर कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण होना चाहती है। एदे अंदर जो अधूरा पुरुष है वह संपूर्ण होना चाहता है। इसका मूल दुख यही है, इसका प्रबल दुख यह है। जवानी की दहलीज विच कदम रखते ही एक पुरुष का एक मर्द का सब तो वड्डा दुख यही है कि उसके अंदर जो अधूरी स्त्री है वह संपूर्ण होना चाहती है। तो इस तरह समाजिक ए रिश्ता जो पति पत्नी का है ये एक दूजे नूं संपूर्ण करता है। अगर पत्नी ने वाकई पति नूं संपूर्ण नहीं किया तो उस पति के अंदर जो अधूरी स्त्री सी वह संपूर्ण नहीं हुई, और उस पति के अंदर उस पुरुष के अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वह अंश मां दी है, अधूरी अंश उस दे अंदर मां दी है। और जो लड़की है वो जो बच्ची है वो जो पत्नी है उसके अंदर अधूरी अंश पिता दी है। मां बाप तो शरीर आया है तो अंश तो मां बाप दी है। तो स्त्री के अंदर अधूरा पुरुष जो बैठा है वो अधूरा पिता ही है, और स्त्री के अंदर जो अधूरा पुरुष बैठा है वो पिता ही है, और पुरुष के अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो मां ही है। इंज कह लो जीवन भर पुरुष मां की तलाश करता है, जीवन भर स्त्री पिता की तलाश करती है। और उसनू अपने पति विच पिता की झलक ना मिले, अपनी पत्नी विच मां की झलक ना मिले, यकीन जानो तृप्ति नहीं आती। सारी जिंदगी अधूरा बन रहेगा, खटकदा रहेगा, बोझ रहेगा। और वाकई स्त्री विच किधरे मां की झलक मिल गई, मां के सुभाव की झलक, मां की ममता की झलक, मां की शफकत की झलक, मां की हमदर्दी की झलक, मां के प्यार की झलक, मां की कुर्बानी की झलक जे किधरे पत्नी दे च मिल गई तो समझ लो पुरुष संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया। और इस तरह स्त्री ने जे किधरे पति दे च अपने पिता के प्यार की झलक मिल गई। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि बच्ची ये बाल कन्या पिता की तरफ लपकती है, ये बाहां पसारती है, इसका मान तान पिता है, ये परिक्रमा प्यो दे आले दुआले करती है, और प्यो का प्यार भी अक्सर इसलिए छलकता है, इसलिए जो है उमड़ता है। पति दे चों ये प्यार ना मिलिया, पिता दे प्यार की झलक ना मिली, पिता दे प्यार दी शफकत ना मिली, पिता दे प्यार दा हुलारा ना मिलिया, ये स्त्री भी अतृप्त रहेगी। इस रिश्ते च उन्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी तस्कीन नहीं मिलेगी। और इस तरह के रिश्ते है जो इंज कह लो पति नूं पत्नी दे चों मां दी झलक नहीं मिली, और पत्नी नूं पति दे चों कोई पिता दी शफकत ते पिता दी तस्वीर सामने नहीं जो है प्रगट हुई, ये रिश्तिया च अंदरूनी तौर ते दरार बनी रहती है। और कई दफा हालात ऐसे हो जाते हैं बैरूनी तौर ते भी दरार प्रगट हो जाती है, नौबत तलाक तक पहुंचती है, रिश्ते जो है टूटते हैं। वास्तविक ये रिश्ता जोत का रिश्ता है, अंदरूनी रिश्ता है, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग का जो है बना रखे। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्होंने महान रिश्तों का जिक्र
बड़े सोहने आलमाना ढंग नाल उजागर करदे ने घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरा बड़ा सुंदर घर भी है, बड़ी सुंदर महल माड़ी भी है, और उस घर दे च उस महल माड़िया दे अंदर मेरा बहुत सुंदर एक परिवार भी है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख नु सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ पीना ही नहीं, सिर्फ पहनना ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मनुख नु घर भी चाहिए, और सिर्फ घर नहीं परिवार भी चाहिए। अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं, घर दे च ओ भी चाहिए जिसनु कहा जाए घर वाली, घर दे च ओ भी चाहिए जिसनु कहा जा सके घर वाला। घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर कहता, घर की है। कोई इट्टां दी ढेरी नू घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नू घर थोड़ी कहंदे ने, नहीं घर है तो इस दी शोभा है घर वाले नाल, घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, ए जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ए जो तू मेरे ते अपनिया निगाह सुट दितिया ने, ए जो मैं तेरी निगाह दे थले आ गया, ए मेनु सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है। हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख ते प्राणों दे च ए भी प्यास है कि मैं घर दे च जो कुछ आखा मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबिले कबूल होवे, मां नू पिता नू पत्नी नू पुत्रा नू भरावां नू भैणां नू कम से कम मेरी गल रद्द ना कीती जाए। साहिब कहिंदे ने, हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। ऐ मेरा हुक्म करना है केड़ा, जिड़ा तेरे हुक्म नू पा जाना है, जिड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है, जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पे है, मानो यही मेरा हुक्म पे चलता है, यही मेरी गल पे चलती है, मेरी गल कोई रद्द नहीं करता। दरअसल एक बहुत वड्डी सच्चाई अध्यात्मिक दुनिया दे प्रगट होंदी है उस दिन, जेड़ा मनुख परमात्मा दा हुक्म मनदा है जगत उसका हुक्म मनदा है, और जो परमात्मा दे हुक्म नू एक पासे कर देंदा है उस मनुख दे हुक्म नू भी दुनिया बहुत चिर तक मन नहीं सकती है, ओनू भी नजरअंदाज कर दिता जाता है, उसनू भी एक पासे सुट जाता दिता जाता है। जो उस एक दा हुक्म मन लैंदा है उसका हुक्म सारी कायनात ते चलता है। तो हुक्म सोई तो दभाव सी और आखण बहुत अपार, और ते बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा, वास्तविक तेरी रजा विच राजी रहना, तेरे हुक्म नू जो है चंगा समझ के ओनू अपने अंदर धार लेना, तेनू पा जाना, बस यही अपनी गल दा चलाना है, यही जो है असी अपना हुक्म चलांदे हां। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। ओ परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है, मालिक है, पातशाह है, ओ किसे कुल पुछ पुछ के बख्शिशा नहीं देंदा, दे ही जांदा है। किसे खेत कुल बदल पुछदे नहीं बरसीए के ना बरसीए, किसे घर कोल सूरज पुछदा नहीं रोशनी देईए के ना देईए, किसे घर दे कोल चंद्रमा पुछदा नहीं मैं अपनियां किरणां खिलेरां के ना खिलेरां, और किसे मनुख कोल पवन पुछदी नहीं तैनू छुआ के ना छुआ। महाराज कहिंदे ने, इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ देई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारियां नियामतां झोली दे जो है पाई जांदा है। आखरी रहाओ चौथा रहाओ, बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक इत्थे सोण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार। होर सोना होर ऐशो इशरत, इस तो इलावा जो सतगुरु देव जी महाराज ने सवाग विच दसी, इस तो इलावा जिहड़ी ऐशो इशरत है महाराज कहिंदे ने तन नूं पीड़ित कर देंदी है, मन नूं रोगी कर देंदी है। ये पावन पवित्र वाक धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ऐसा है
چار رہاواں وچ زندگی دے مول سدھانت سارے دے سارے بیان کر دیتے نے اور تے دل نال جو انہاں نوں ہردے وچ وسا لوے لوک پر لوک اس دا سہلا ہو جاندا ہے تن دے تل تے اروگ رہندا ہے اور من دے تل تے آنندت ہوندا ہے اس طرح اس دا لوک پر لوک سہلا ہو جاندا ہے اور اے پنکتی اس دے تے پوری اتر دی ہے اے لوک سکھیے پر لوک سہیلے نانک ہر پرب آپے ملے